अल्लाह ताला ने सूरह नहल में कहा है कि वो शहद की मक्खी की तरफ वही करता है, वाह हरबु कैलन नहल, अल्लाह ने शहद की मक्खी की तरफ वही की, ये वही है इल्हाम, अल्लाह शहद की मक्खी की तरफ वही करता है कि वो फूलों से रस हासिल करे, और जब वो रस हासिल कर ले तो उसके शिकम में एक माये बनता है लिक्विड, मुख्तलिफुन अल्वानुहु, आयत का मैंने एक हिस्सा पढ़ लिया ताकि तबरुक आयत हो जाए वरना फिर तफसील में चला जाऊँगा, मुख्तलिफुन अल्वानुहु, उसके कलर्स मुख्तलिफ होते हैं, शहद की बात हो रही है, शहद के कलर्स मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए कि शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ हैं, वो जिन फूलों से रस हासिल कर रही हैं वो सारे मुख्तलिफ हैं। मैंने शायद आपकी खिदमत में अर्ज़ किया हो कि वो रस मीठा कैसे बनता है, आप डायरेक्ट फूल को मुंह में ले लेंगे तो वो कड़वा है, डायरेक्ट मुंह में फूल को ले लीजिए जहां से वो रस हासिल कर रही है वो तो कड़वा है, लेकिन जब शहद की मक्खी से उस रस को लीजिए डायरेक्ट लोगे तो कड़वा होगा, वसीले के जरिए से लोगे तो फिर मीठा बनेगा। वो वसीला भी क्या है, हुजूर मुकर्रम ने फरमाया है कि अली जब वो शहद की मक्खी किसी रस को फूल से रस को हासिल करती है तो वो तल्ख होता है, वो उस वक्त तक शीरी नहीं होता जब तक कि वो मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद न भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम। एक दर्स की बात बहाल है, सीखने की बात यह है कि देखें शहद की मक्खी जब दुरूद भेजे अपनी किसी भी कैफियत में, ये ताज्जुब की बात नहीं, सुब्हानल्लाह माफिस समावात व माफिल अर्ज़, जब अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा कि जो कुछ जमीन में जो कुछ आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, तो खाली आप थोड़ी सुभान अल्लाह कहते हैं, आप फकत सुभान अल्लाह थोड़ी कहते हैं, हर मखलूक की अपनी एक तस्बीह है, और इस तस्बीह की एक सादा डेफिनेशन यह है कि हर मखलूक अपने वजूद से उसके बेऐब होने का ऐलान कर रही है, यह उसके वजूद की तस्बीह है, और फिर उनकी अपनी लफ्ज की तस्बीह क्या है वो अल्लाह जाने, खुद रिवायात में आया है कि जब परिंदे एक दूसरे से बात करते हैं तो हर एक का जिक्र क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हर परिंदे का एक खास जिक्र है। अब देखें ये तो अली और औलाद अली ही बतला सकते हैं कि क्या जिक्र है, ठीक, तो इस तरह से शहद की मक्खी भी अपने खास अंदाज में एक सलवात भेजती। अब यहाँ सीखने की बात यह कि देखें शहद की मक्खी जब सलवात भेजे तो उसके अंदर जो तल्ख लिक्विड है वो स्वीट हो जाए। हम में से हो सकता है बहुत से ऐसे जिन्होंने जिंदगी भर हजारों सलवात भेज दी लेकिन अब तक हमारे दिल की तल्खी खत्म नहीं होती, अपने भाइयों से अपने मोमिनों से, तो जब हम सलवात भेजते हैं एक साथ मिलकर तो क्या हमारी तलखियाँ नहीं ख़त्म होनी चाहिए, हमारे अंदर वो शीरीनी नहीं आनी चाहिए। शहद की मक्खी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात भेजे तो उसके अंदर का जो वजूद है वो लिक्विड शीरीन हो जाता है। तो अपने अपने गुस्से को इंशाल्लाह ख़त्म करने के लिए, हसद किब्र निखवत को ख़त्म करने के लिए, और इंशाल्लाह हम एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत से बिलखसूस ख़ानदानों में और बिलमूम हर मोमिन और हर मुसलमान एक दूसरे के साथ एक मिल के और बुलंदर सलावात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद।